छूट की अवधि के बाद सब्जी और फल फ्रूट के ठेले लेकर घूम रहे लोगों के रैंडम कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आए तो ठेला छोड़कर अस्पताल जाना पड़ेगा। दरअसल राजस्व पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिला अस्पताल के सामने और मीरा पावड़ी पर छूट की अवधि के बाद भी ठेले लेकर फेरी लगाने वाले लोगों के रैंडम कोरोना टेस्ट किए हैं। तहसीलदार पूनम तोमर कोतवाली TI उमराव सिंह ने बताया कि 36 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, सभी के रिपोर्ट नेगेटिव आई। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में फल फ्रूट और सब्जी वालों को ठेले से फेरी लगाने की 7 से 10 बजे तक की छूट दे रखी है, उसके बाद भी ठेले लेकर फेरी लगाते हुए नजर आते हैं। ठेले से फेरी लगाने वाले लोगों के बीच कोरोना का संक्रमण तो नहीं फैल रहा है, इसको लेकर प्रशासन में छूट के बाद घूमने पर सजा के तौर पर कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। ठेले वाले घूम रहे हैं, 10 बजे के बाद उनको प्रतिबंधित किया गया है, फिर भी नहीं वो मानते हैं, इसलिए उनके कोविड एंटीजन टेस्ट लिए गए हैं। कुल 36 लोगों के टेस्ट सैंपल लिए जिसमें सभी निगेटिव आए। ये राजस्व पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें हम लोगों ने फल और सब्जी के जो ठेले वाले हैं जो घूम घूम कर फल और सब्जी बेच रहे हैं उनके कोविड के सैंपल आज हम लोगों ने लिए थे। कितने सैंपल निकाले गए हैं? 36 सैंपल लिए गए थे, सभी नेगेटिव मिले। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पमार की ये रिपोर्ट।